नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। दो दिन पहले लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में इतना जबरदस्त हमला हुआ कि हिजबुल्लाह के नेता नसरल्लाह की मौत हो गई और फिर शुरू हो गया ईरान इजराइल युद्ध। हम आज अपनी स्टोरी में आपको बताएंगे कि कौन है हिजबुल्लाह चीफ। एक इजरायली हमले में हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत हो गई और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप की खबरें चलने लगी। मध्य पूर्व में अलर्ट है और इस लड़ाई में कई और देशों के घुसने की संभावना है। ईरान बदला लेने की धमकी दे रहा है और इजराइल देख लेने की बात कह रहा है। ऐसे में आज हम अपनी इस स्टोरी में हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्लाह की बात करेंगे, जो कैसे दुनिया के पलट पर अपनी छाप छोड़ गए। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह की मौत, कौन है हसन नसरल्लाह जिस पर दुनिया रो रही है। जन्म 31 अगस्त 1960 बुर्ज हामूद बेरूत। नसरल्लाह का जन्म एक शिया परिवार में हुआ। तायर में शिक्षा पूरी की और पहले अमल आंदोलन में शामिल हुए। बैकलॉक में एक शिया सेमिनरी में पढ़ाई की। लेबनान लौटकर सन 1992 में हिजबुल्ला की कमान संभाली। अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के बल पर नसरल्लाह जल्द ही लेबनान का हीरो हो गया और लेबनान में अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ अभियान छेड़कर राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है जब नसरल्लाह हिजबुल्ला में शामिल हुए तो उसकी उम्र मात्र 22 साल की थी। गरीबी और मुफलिसी से गुजरने वाला बालक अपनी जिंदगी को बदलने के लिए जिद किया और मंजिल पा गया और आज की तारीख में हिजबुल्ला लेबनान का प्रमुख दल है और सबसे शक्तिशाली भी, लेकिन खाड़ी देश के मुस्लिम शिया सुन्नी में उलझा है क्योंकि लेबनान शिया देश है और ईरान भी शिया देश है। ऐसे में ताकतवर देश सऊदी अरब, जो सुन्नी है, दोनों में नीतियों को लेकर बवाल होने लगा, जो अब भी जारी है। लेकिन जो लेबनान, सीरिया, इसराइल और फिलिस्तीन आपस में सटे हुए हैं और यही कारण है कि इसराइल और इन देशों में कटुता बढ़ती गई और आज इस मुहाने पर खड़े हैं। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो आखिर नसरल्लाह को इसराइल ने क्यों मारा? इसराइल का कहना है कि उत्तरी सीमा पर लेबनान खतरे पैदा कर रहा है। हिजबुल्ला ताकतवर संगठन है और हिजबुल्ला उसे किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता है, इसलिए इसराइल ने पहले पेजर, वॉकी टॉकी, लैपटॉप और सोलर सिस्टम से टारगेट किया और तबाही मचाई। फिर लोकेशन जांच करके इतना बम मारा कि 30 फुट का गड्ढा हो गया और हिजबुल्ला चीफ की दम घुटने से मौत हो गई, जिसके बाद से ईरान काफी गुस्से में है और अब इसराइल को सबक सिखाने के मूड में भी। इसीलिए ईरान ने इसराइल पर सीधा हमला कर दिया। ईरान की तरफ से एक के बाद एक 100 से अधिक मिसाइलें दागी गई। इस हमले के बाद ईरान ने पहली बार खुले तौर से कहा कि ये हमला इस्माइल हानिया और नसरल्लाह की मौत का बदला है। ईरानी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से कहा है कि इसराइल पर मिसाइल दागने का आदेश ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई द्वारा दिया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे खाड़ी में माहौल गर्म है और इसका कारण क्या है। विदेशी मामलों के जानकार कुछ कहने को तैयार नहीं है कि युद्ध किधर जा रहा है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और किसको फायदा और किसको नुकसान होता है।